नमस्कार, ऐसी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं राजेंद्र पाल गौतम, समाज कल्याण मंत्री हैं, जो बहुजन समाज के लोगों के ही नहीं पूरे देश के और पूरी दिल्ली की बहुत अच्छे से आवाज सुनते हैं। राजेंद्र जी, आपका ऐसी न्यूज में स्वागत है। थैंक यू सर। एक बात बताइए, 70 साल से किसी सरकार ने नहीं सुनी वाल्मीकि समाज की या सफाई कर्मचारियों की? वो बात जो सबसे महत्वपूर्ण थी, सीवर के अंदर लोगों की जान तक चली जाती थी, दिल्ली सरकार ने इसने क्या ऐसा करा है जो आजकल बहुत सुर्खियों में? एक्चुअली हमारे सामने एक सवाल था कि दुनिया इतना टेक्नोलॉजी के मामले में तरक्की कर चुकी है, लेकिन उसके बाद भी सीवर के अंदर, सेप्टिक टैंक के अंदर हमारे गरीब लोग की डेथ हो जाती है और उस पर कोई स्कीम बननी चाहिए। तो हमने उस पर जब काम करना शुरू किया तो हमारा लक्ष्य यह था कि सीवर के या सेप्टिक टैंक के अंदर लोगों की जान जाने से बचे। तो उसमें फिर हमने जल बोर्ड से स्कीम बनवाई और 200 मशीनें खरीदने का टेंडर जब देने की बात आई तो हमने कहा कि जो लोग इस काम से जुड़े हैं उनको क्यों ना एंटरप्रेन्योर बनाया जाए, उनको क्यों ना टेंडर उन्हीं को दिए जाए और वो मशीन के मालिक बने। तो जल बोर्ड से वो स्कीम बनवाई और बनवाने के बाद फिर दूसरा सवाल ये था कि उसमें जो 10% या 20% जो पैसा अपना लगाना पड़ता है वो कैसे लगाएंगे लोग। तो उसमें हमने फिर दिल्ली में पूरा सर्च शुरू किया, मीटिंग्स ली, जब टेंडर जब हुआ तो उसमें लोगों ने अप्लाई करना भी लोगों को नहीं आता था तो उनको मदद की कि कैसे टेंडर अप्लाई किया जाता है। डिक्की हमारी एक संस्था, देश की संस्था है SC ST समाज की, जो दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, उससे हमने बात की। उसके माध्यम से उनके सबके टेंडर के फॉर्म कैसे भरे जाते हैं, कैसे अप्लाई किया जाता है वो करवाया और उन्हीं के माध्यम से बैंकों से बात करके उनको लोन करवाया। तो जिनके परिवार, 9 ऐसे परिवार थे जिनके यहाँ से डेथ सीवर में हुई है, उनको 1 रुपया भी नहीं लगाना पड़ा, 100% हमने फाइनेंस करवाया। बाकी लोगों ने अपना, पूरे दिल्ली में जब ये लोगों ने अप्लाई किया तो बहुत लोग निकल के आए जिन्होंने 10% 15% अपना इन्वेस्टमेंट किया, बाकी फंड उनको बैंक से फाइनेंस करवाया और उन्होंने टेंडर जो डाले उनको फिर 220 लोगों ने टोटल शायद डाले। उसमें से मुझे पता लगा कि जल बोर्ड ने 200 लोगों को टेंडर वर्क अवार्ड कर दिया है और अब वो गाड़ियां आने वाली हैं और हर गाड़ी पे 3-3 एम्प्लॉई भी होंगे जी। अब वो लोग एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं जो लोग अपनी जान गंवाते थे जी। और अब SOP भी बन गया है ताकि सीवर में जाने से भी रोका जा सके लोगों को जी। तो काफ़ी काम दिल्ली की सरकार इस पे कर रही है, काफ़ी लोगों को ट्रेनिंग भी कराई है, जो मैनुअल स्कैवेंजर आइडेंटिफाई किए गए उनको रिहेबिलिटेट भी किया गया, उनको नौकरियाँ भी दिलवाई गई है। पिछले दिनों CM और हम दोनों ने वहाँ उनको नियुक्ति पत्र दिए थे।